Hello student, I hope you all are doing very well. So today we are going to start chapter number 10, unit 5, space and surrounding. Chapter 10, wind. In this chapter, we will learn about air. Air has weight, different names of air. Air occupies space. Air is needed for breathing and uses of air. So let's start this chapter with the warm-up exercise. Look at the picture given below and answer the following question. आपको ये पिक्चर दिखाई गई है और आपको इस पिक्चर की मदद से ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज फिल्ड इन द बैलून व्हेन वी ब्लो इनटू इट. जब आपने कभी बच्चों बैलून फुलाया है तो उसके अंदर क्या होती है? वाटर? नो. क्या होती है? एयर. क्या होती है? एयर. कभी आपने पतंग उड़ते हुए देखी है? द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज अ क्राइट फ्लाई. पतंग कैसे उड़ती है? तो बताइए पतंग कैसे उड़ती है? पतंग उड़ती है एयर की हेल्प से. So now we start the chapter. Air is all around us. We cannot see or touch air, but we can feel it. देखिए बच्चों, जो हवा है, air है, वो हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है. But ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही उसे touch कर सकते हैं. बस हम उसे feel कर सकते हैं. Air occupies space. When we blow air into a balloon, the air takes the space inside the balloon. It gives the balloon its shape. आप जब बलून फैलाते हो तो आप देखते हो कि जो एयर है वो एक बलून की शेप ले लेती है. तो दैट मींस कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. एयर हैज वेट. टेक अ फुटबॉल फिल्ड विद एयर एंड अनदर दैट हैज नो एयर इन इट. टेक देम इन योर हैंड्स एंड फाइंड आउट विच इज हैवियर. आपको दो बॉल्स लेनी है, एक को आपने एयर भरनी है और एक में आपको एयर नहीं भरनी है. अब आप उन दोनों बॉल्स को हाथ में उठाइए और देखिए कि कौन ज्यादा हैवी है. आपको फील होगा कि जिस बॉल में एयर भरी हुई है वो ज्यादा हैवी है. इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एयर हैज वेट. एयर का क्या होता है? वेट होता है. द वन विद एयर इन साइड is heavier. This means that air has weight. Air is needed for breathing. Face the fact. When we breathe, we take in fresh air. When we breathe out, we push out dirty air from our body. देखिए बच्चों, आप सांस लेते हैं, एक बार सांस लीजिए और बाहर छोड़िए. आप क्या फील होता है कि आपने एक बार ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट. हम फ्रेश एयर को ब्रीथ करते हैं और गंदी एयर को बाहर निकालते हैं. जो एयर हम लेते हैं उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं और जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग. देखिए, एयर हमें किसके लिए जरूरी होती है? हमारी ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए. वी नीड एयर टू ब्रीथ. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ अंडर वॉटर. देखिए, मैंने जैसा आपको अभी बताया कि एयर हमें सांस लेने के लिए जरूरी है. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए. अब आपने कभी सोचा है कि जो फिश होती है वो तो पानी के अंदर रहती है, तो वो कैसे ब्रीथ करती है? क्योंकि एयर तो आपको लगता है कि सिर्फ हमारे सराउंडिंग में है, अंडर वाटर एयर नहीं है. बट बच्चों, ऐसा नहीं है. जो फिश होती है वो अपने गिल्स की मदद से ब्रीथ करती है विद इन अंडर वाटर. डिफरेंट नेम्स ऑफ एयर. जेंटल एयर इज कॉल्ड ब्रीज. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म. स्टॉर्म कैन इवन अपरूट ट्रीज एंड कॉजेज हैवी डैमेज टू प्रॉपर्टी. देखिए बच्चों, एयर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. जो जेंटल एयर होती है, स्मूदिंग एयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीज. और जो फास्ट मूविंग एयर होती है उसको हम कहते हैं विंड. जो तेज हवा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड. वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म. और जो स्टॉर्म होता है कई बार वो डैमेज भी करता है बहुत सारी चीजें. जैसे आपने देखा होगा, कहीं न्यूज में सुना होगा कि कहीं बहुत जगह तूफान आ जाता है तो घर के घर, गाड़ियां, ये सब तूफान के साथ उड़ जाते हैं. तो इन पिक्चर्स में आप देखिए, फर्स्ट पिक्चर है ब्रीज, नेक्स्ट है विंड और तीसरा है स्टॉर्म. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर. एयर हेल्प अस टू ब्रीथ. हवा में आपको बताएंगे एयर के यूजेस क्या होते हैं. एयर हेल्प अस टू ब्रीथ. मूविंग एयर हेल्प टू ड्राई क्लोथ्स. एयर हमें किस चीज में मदद करती है बच्चों? ब्रीथ के लिए. और जब एयर चलती है तो हमारे कपड़ों को भी सुखाती है. विंड मूव्स टू सेल बोर्ड. फ्लाई काइट्स एंड पैराशूट रिक्वायर्ड एयर.
Air can fill in footballs, tires and balloons. Air is needed for burning also. देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रीथिंग के लिए एयर जरूरी होती है, कपड़े सुखाने के लिए एयर जरूरी होती है, इसी प्रकार विंड मूव्स फॉर सेल बोट्स. एक प्रकार की बोट्स होती हैं जो किसकी मदद से चलती हैं? विंड की मदद से चलती है, हवा की मदद से चलती है. फ्लाइंग काइट्स, आपने काइट्स देखी होंगी, पैराशूट्स देखे होंगे, उनके लिए भी हमें क्या जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है. आपने देखा होगा कि जब आप पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं और हवा नहीं चल रही होती तो आपकी पतंग नहीं उड़ती है. एयर कैन फिल इन फुटबॉल्स, टायर्स एंड बलून्स. एयर फुटबॉल में भी फिल की जाती है, टायर्स में भी फिल की जाती है और बलून्स में भी फिल की जाती है. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग ऑल्सो. हमें किसी चीज को जलाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है. नाउ पुट ऑन योर थिंकिंग कैप. विच गैस डू वी नीड टू ब्रीथ? हमें कौन सी गैस चाहिए होती है ब्रीथ के लिए? बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन. और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ट्राई आउट आंसर दिस क्वेश्चन ओरली. व्हाट इज ब्रीज? जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. एंड व्हाट इज स्टॉर्म? वेरी फास्ट मूविंग इज कॉल्ड स्टॉर्म. व्हाट इज स्टॉर्म? वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म. Now the fun activity, take the things in which air can fill. आपको इन pictures में से उन things को tick करना है जिसमें आप air fill कर सकते हो. तो पहला है आपका balloon, दूसरा है chair, तीसरा है football and चौथा है आपका tire. तो बच्चों बताइए आप किन चीजों में air fill कर सकते हैं? क्या हम chair में air fill कर सकते हैं? नहीं, हम chair में air fill नहीं कर सकते हैं. तो हम कर सकते हैं balloon में, football में और टायर में. नाउ स्केच योर माइंड. एयर, इट्स यूजेस, इट्स नीडेड फॉर ब्रीदिंग, इज ऑल अराउंड अस, ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज वेट, इट्स यूजेस, इट हेल्प अस टू ड्राई क्लोथ्स, मूव द सेल बोट्स, नीडेड फॉर बर्निंग. देखिए मैंने आपको इसके यूजेस बताए. सेल बोट के लिए यूज होता है, बर्निंग के लिए यूज होता है और जलाने के लिए यूज होता है. नाउ इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. ह्यूमन बींग किसके लिए जरूरी होती है ब्रीथ करने के लिए? देखिए मैंने आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं. तो लिविंग थिंग्स में हमारा आ गया ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. एयर इज ऑल अराउंड अस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ये हमारे चारों तरफ है और इसका वेट होता है. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. तो सी यू इन दी नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.